और 6 साल में उन्होंने क्या किया? विकास का तो कोई काम नहीं हुआ, पूरे बेगूसराय नगर निगम को बर्बाद करके रख दिए, जनता त्राहिमाम में है। आप हमसे सवाल पूछते हैं, आप उनसे सवाल पूछिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं, अगर कोई आवेदन हमको दिखा देंगे हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। आज उपिंदर सिंह किस नाम से जाने जाते हैं? एक बड़े ठेकेदार के नाम से। हमने कहा जो किसी दलित के घर को उजाड़ कर सम्राट अशोक भवन बनाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पूरा शहर को उन्होंने नरक बना के छोड़ दिया, लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। जिनके रहमो करम पर वो चुनाव जीत के आए, आलोक अग्रवाल जी उसके सदस्य हैं, यानी जब तक मेरा कार्यकाल रहा 30/1/16 तक के सभी चीज़ का जांच होगा। तो मैं कहना चाहता हूं, जब जांचे होता तो 11 से 22 तक का जांच क्यों नहीं हो गया? लेकिन ये जब वहां बनाने के लिए गए ना तो भूमिदाता से नहीं पूछे, ये वहां जाके राजनीति करना शुरू कर दिए। अभी भी वो स्कॉर्पियो नगर निगम में, अगर मेरे नाम से रहता ना तो मेरे घर पे नहीं रहता। तो हम माननीय महापौर से यह अनुरोध करेंगे कि दोनों गाड़ी मेरे घर पर भेजवा देते, अच्छा रहता। अगर मेरे नाम से है तो हम पर क्यों नहीं अभी तक FIR दर्ज किया गया? तो कार्रवाई कर दें, कौन रोक ले? उनके हाथ पर हम पढ़ने के लिए कभी गए, पैर पढ़ने के लिए, जैसा कार्रवाई मत कीजिए। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 21 में रतनपुर मोहल्ला में मौजूद हूं, और अभी हम बात करेंगे पूर्व मेयर संजय कुमार जी से। निवर्तमान मेयर ने संजय जी के ऊपर ढेर सारे आरोप लगाए हैं, हालांकि उन्होंने इनका नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारे में ही। सर आपको धन्यवाद जो आप ये सवाल पूछने के लिए आए हैं। और आपने कहा निवर्तमान, 3 दिन पहले की बात है, एक हेमड़ा चौक पे एक बोर्ड लगा है जिसमें माननीय महापौर लिखा गया है, मात्र 3 दिन पहले। तो अब हम उनको निवर्तमान माने या वर्तमान माने ये हमरे समझ में नहीं आता है। आप निवर्तमान कहते हैं तो गुस्सा जाएंगे, उनको निवर्तमान मत कहिए, वो वर्तमान हैं और आजीवन वो जब तक रहेंगे न वर्तमान रहेंगे, रहेंगे भाई नहीं रहेंगे। क्योंकि 3 दिन पहले जो बोर्ड लगा है ना उसमें लिखा हुआ है जो माननीय महापौर। अब आए मुद्दा पे, हम आपके चैनल के माध्यम से हम भी देखे और उन्होंने जो भी आरोप लगाया वो सफ़ेद झूठ है। वो अब जब चुनाव का समय आया ना, 6 साल तक 19/3/16 को जब वो मेयर बने तो उनसे लोगों को काफ़ी उम्मीद था, शहरवासियों को ही नहीं जिलावासियों को, जो एक बेहतर मेयर बने हैं और बेहतर नगर निगम बेगूसराय को बनाएंगे। लेकिन ये मैं नहीं कहता हूँ, आप पूरे शहर में सर चले जाइए, पूरा शहर को उन्होंने नरक बना के छोड़ दिया, लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। तो अब लोगों पर वो आक्रोश नहीं निकाल रहे हैं, तो सबसे सस्ता मैं हूँ तो हम पर अब वो अपना आक्रोश निकालते हैं। अब वो कह रहे हैं जो वो जो भी काम किए गलत ढंग से किए इसकी जांच हो रही है। सवाल है जांच कैसे हो रही है? जांच हुआ जो एक लोक लेखा समिति नगर निगम में है जिसमें जिनके रहमो करम पर वो चुनाव जीत के आए, आलोक अग्रवाल जी उसके सदस्य हैं, कुछ उसमें वर्तमान माननीय पार्षद भी हैं। उन्होंने कहा जो जबकि नगर निगम बना 2011 से, लेकिन उन्होंने 2011 की चर्चा नहीं की। 2013 से लेकर 2016 यानी जब तक मेरा कार्यकाल रहा 30/1/16 तक के सभी चीज़ का जांच होगा। तो मैं कहना चाहता हूं, जब जांचे होता तो 11 से 22 तक का जांच क्यों नहीं हो गया? सबका होना चाहिए। अगर वो कमेटी निष्पक्ष रहती तो वो कहती जो 8/3/11 से लेकर अभी तक जो भी खरीदारी हुआ है उसका जांच किया जाए। तो सवाल है जो कमेटी इस ढंग से उनके इशारे पर काम कर रही है तो मेरे हित की बात करेगी? तो एक वो कमेटी निर्णय लिया जो इसकी जांच हम निगरानी से करवाएंगे, वो लोग निगरानी को यहाँ से पेपर भेजे, निगरानी एक पत्र हमें जारी किया है, हम ही को नहीं 19 आदमी को ये पत्र आया है, और भी लोगों को आया होगा मुझे जो जानकारी है। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है जो
संजय कुमार तत्कालीन मेयर नगर निगम बेगूसराय एवं अन्य के विरुद्ध 2013 से 2016 हम बोले ना, ना 11 से चर्चा है न 16 के बाद की चर्चा है कि नगर निगम में द्वारा कार्यों में अनियमितता कर सरकारी राशि का दुरुपयोग गबन का आरोप की जांच निगरानी मुख्यालय आदेशानुसार अध्यक्ष द्वारा किया गया है। जांच के क्रम में पाया गया नगर निगम वाहन क्रय भवन जीर्णोद्धार एवं डस्टबिन क्रय हेतु निकाले गए निविदा के समय आप अस्थायी शासक समिति क्रय समिति निविदा समिति अतः आपका बयान लेना आवश्यक है। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने कहा जो आप जो ये सब किए हैं सो किस आधार पर किए हैं इसका बयान दीजिए। मतलब साफ है कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जांच पर जो है सो आपको भरोसा है? सबको भरोसा है भैया, जांच पे तो सबको भरोसा है ना। अब वो जो हम पे आरोप लगाए आपके चैनल के माध्यम से, हम दो लाइन में अपनी बात रखेंगे। ये देखिए 25/11/15 ये मेरे कार्यकाल का लास्ट बोर्ड का बैठक है सर, लास्ट बोर्ड का बैठक है। इसमें अन्यान 5 है ये सर, बोर्ड द्वारा वो कहे जो उनका निर्णय है, ये यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड द्वारा डोर टू डोर कचरा संग्रहण हेतु प्रत्येक घरों में 10-12 लीटर क्षमता वाला कूड़ादान अन्य नगर निकायों के द्वारा क्रय किए दर पे अथवा सरकार द्वारा अधिकृत संस्था के स्वीकृत दर पर आवश्यकता अनुसार विभागीय निर्देश के आलोक में क्रय करने का निर्णय लिया गया। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये बोर्ड का निर्णय है। वो जब अपने बारे में कहेंगे तो कहते हैं हम नहीं कुछ करते हैं, सब नगर आयुक्त करता है और बोर्ड करता है। तो मेरे समय में भी बोर्ड निर्णय लिया, ये मेरा निर्णय नहीं है और ये लिखा हुआ है 25/11/15 का बोर्ड का बैठक। अब इसमें हुआ जो भाई नगर निकाय के रेट पर लेना है, तो नगर निकाय के रेट पर जब लेने की बात आई ना, तब बीच में सरकार का एक पत्र आया, ये पत्र आया 8/16 को, ये पत्र आया 8/16 को, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, जिसको हम बुडको कहते हैं, BUIDCO बुडको, और वो जो है सो यहाँ देखिए बिहार सरकार का उपक्रम है, ये खुद बिहार सरकार का उपक्रम है। और उन्होंने कहा जो नगर आयुक्त सभी नगर निगम कार्यपालक पदाधिकारी सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत नगर निकाय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आने वाली सफाई उपकरणों सामग्रियों की आपूर्ति के संबंध में क्या है, तो उन्होंने ये रेट फिक्स कर दिया। अने ठीक है, आपका यह है कहना कि हम जो भी खरीदारी किए हैं ये कोई मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, सरकार का जो निर्देश है। सर एक मिनट सर, समय दिया जाए ना। तो उन्होंने ये रेट फिक्स किया, जो 12 लीटर का जो विंस लीजिएगा ना उसका रेट 800 रुपया है। ये मैंने कहा, ये सरकार का पत्र आया है, और ये पत्र जो आया वो पत्र आया है परियोजना निदेशक का। 8/16 को जब सरकार का पत्र आया तो हम फिर जो है 22/1 को बैठक किए, 8/1 को सरकार का पत्र आया तो 22/1 को बैठक हुई है, जिस बैठक में लिखा गया है अतः इस संदर्भ में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। इस पर बिमरो उपरांत उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा प्रकाशित कोटेशन आमंत्रण सूचना इतना को रद्द करते हुए बुडको से कोटेशन को रद्द किया गया और बुडको से 15,000 डस्टबिन क्रय करने का निर्णय लिया गया। मान्य सदस्यता शीघ्रता शीघ्र इस संबंध में विभागीय निर्देश के आलोक में कार्रवाई करने हेतु नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया। नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया, हम थोड़े कहे, इसमें सब आदमी उपस्थित हैं, इसमें मैं भी उपस्थित हूँ, नगर आयुक्त उपस्थित। ये भी आरोप है जी कि आपने सम्राट अशोक भवन के निर्माण में बाधा जो सो मैंने डाल दिया, जिसके कारण शिलान्यास भूमि पूजन के बाद भी जो है उसका निर्माण नहीं हो सका। अब देखिए सम्राट अशोक भवन की सर जहाँ तक बात है, 26/9/16 को निर्णय लिया गया जो सम्राट अशोक भवन के लिए स्थल चयन पर विचार हुआ। माननीय सदस्य श्रीमती पूनम देवी ने बताया कि सर्वोदय नगर में की अपनी जमीन है, जिसे अनाधिकृत रूप से कई लोग कब्जा जमाए हुए हैं। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया जो जमीन को खाली कराकर वहां बनाया जाए। फिर सर बोर्ड की बैठक हुई 26/11/16 को, 2 महीना के बाद। हमने कहा जो किसी दलित के घर को उजाड़ कर सम्राट अशोक भवन बनाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फिर इस निर्णय को 10/12/16 को
माननीय महापौर ने प्रस्ताव दिया कि वार्ड नंबर 17 पशुपुरा में शिवाला के नज़दीक सम्राट अशोक भवन के लिए जमीन उपलब्ध है, जिस पर भवन निर्माण कराया जा सकता है। वो उनका निर्णय था। ये जमीन जो है वहाँ के एक भूमिदाता वो अपना जमीन राज्यपाल के नाम से दान कर दिए थे। वो जमीन बहुत ही गड्ढा था, मैं अपने कार्यकाल में उस गड्ढा को भरवाया, उसमें चहारदीवारी करवाया, लेकिन ये जब वहाँ बनाने के लिए गए ना तो भूमिदाता से नहीं पूछे, ये वहाँ जाके राजनीति करना शुरू कर दिए। और जब राजनीति करना शुरू कर दिए तो भूमिदाता जो थे उनका कहना था जो हम यहाँ जो हमारे बच्चे हैं जो युवा हैं हम उसको खेलने के लिए जगह दिए थे ताकि वो वॉलीबॉल या क्रिकेट या जो भी खेले और आगे बढ़े, समाज में आगे बढ़े, तो मैं इस पर कोई निर्माण कार्य नहीं करने दूंगा। ये भूमिदाता के तरफ से जो ट्रस्टी थे उनका उन्होंने रोक लगाया। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूँ जो उन्होंने जिस तरह कहा, जो माननीय पार्षद के द्वारा आवेदन दिया गया है, अगर कोई आवेदन हमको दिखा देंगे हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। चलिए, जो भी हो, सम्राट अशोक भवन राजनीति की भेंट चल गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है और सम्राट अशोक भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। संजय जी से मेरा अगला सवाल ये होगा कि उन्होंने ये कहा कि सरकारी जो वाहन था उसको अपने नाम से ये कराया और यहाँ जब तक वो रहे अपने कार्यकाल में ठेकेदारी भी जो स्वयं और मान लीजिए अपने भाई के नाम से जो करते रहे जो नियमानुकूल नहीं है, इस आरोप के संदर्भ में। सबसे पहले तो आप वाहन क्रय की सर बात किए, दो स्कॉर्पियो खरीदारी हुई, दो स्कॉर्पियो नगर आयुक्त के नाम से, अभी भी वो स्कॉर्पियो नगर निगम में। अगर मेरे नाम से रहता ना तो मेरे घर पे नहीं रहता, अगर मेरे नाम से रहता तो मेरे घर पे रहता। 5 साल माननीय उप महापौर कैसे गाड़ी को चढ़ते। उसमें जो है जब नगर निगम से पूछा गया यूजर नेम माने कौन यूज करेंगे, उस पर मेरा नाम लिख दिया नगर निगम लिखा। आज भी नगर निगम का रजिस्ट्रेशन जो है सर DTO कार्यालय में 7899 और 7979 जो गाड़ी स्कॉर्पियो है वो दोनों का रजिस्ट्रेशन जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बेगूसराय के नाम से दर्ज है। अगर मेरे नाम से है तो हम माननीय महापौर से यह अनुरोध करेंगे कि दोनों गाड़ी मेरे घर पर भेजवा देते, अच्छा रहता, दोनों गाड़ी मेरे घर पर भेजवा दें अगर मेरे नाम से है। अगर मेरे नाम से है तो हम पर क्यों नहीं अभी तक FIR दर्ज किया गया। नहीं, ठेकेदारी का क्या मामला बताते हैं सर, हम हैं, हमारा परिवार है, ठेकेदारी उन्हें करते हैं, रिफाइनरी में करते हैं ना भैया। आज उपिंदर सिंह किस नाम से जाने जाते हैं, एक बड़े ठेकेदार के नाम से। नहीं, लेकिन उनका ये है कहना कि नगर निगम में जो भी पदाधिकारी होंगे उनके परिजन जो है उनके परिवार के सदस्य कोई वहाँ ठेकेदारी नहीं कर सकते। कार्रवाई क्यों नहीं 6 साल में किए। अगर ऐसा है, सरकार का कोई नियम है, कोई सरकार का कानून है, तो वो अभी 6 साल से पावर में है, नगर आयुक्त उनके बात को सुनता है, सब पूरे नगर विकास उनके बात को सुनता है, माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब उन्हीं के बात सुनते हैं, तो हम पे या हमारे जो भाई थे उन पर कार्रवाई कर देते। उन्हीं के कार्यकाल में वो जो बता रहे थे सामुदायिक भवन की जो चर्चा कर रहे थे, हमने जिस जगह को चिन्हित किया उस जगह को बदल के जिस जगह वो विवादित जमीन पर ले गए तो वहाँ भी तो मेरा भाई टेंडर किया और उन्हीं के समय में टेंडर मिला, तो क्यों मिला। अगर टेंडर गलत ढंग से दिया गया तो उसके लिए वो दोषी हैं। अगर मेरे भाई को नहीं मिलना था तो कैसे मिला, इसका जवाब तो उनको देना चाहिए। आप हमसे सवाल पूछते हैं, आप उनसे सवाल पूछिए कि उनके भाई को टेंडर मिला कैसे और आप ही के कार्यकाल में। नहीं, उनका ये है कहना कि मेयर ऐसे पद पर या डिप्टी मेयर ऐसे पद पर जो लोग हैं उनके परिवार के सदस्य जो है जब उनको टेंडर मिला है तब आप तो डिप्टी मेयर या मेयर नहीं थे। तो जिस समय हम थे तो उन्हीं के कार्यकाल में उसका भुगतान भी हुआ है, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। वो भी पेपर आप कहिएगा तो हम दे देंगे, आज नहीं एक दो दिन हमको समय दिया जाए हम दे देंगे। अगर गलत हुआ तो आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, हम इतने जानते हैं अगर गलत हुआ तो वहाँ क्यों गए, इसी के लिए न गए तो कार्रवाई कर दें।
कौन रोक ले है? उनके हाथ पर हम पढ़ने के लिए कभी गए पैर पढ़ने के लिए? जैसा कार्रवाई मत कीजिए। वो तो रोज कहते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम उसको जेल भेजेंगे, तो उनको हम कभी गए कहने के लिए? वो एकदम स्वतंत्र हैं, हर चीज़ का जांच कराए, और 6 साल में उन्होंने क्या किया? विकास का तो कोई काम नहीं हुआ, पूरे बेगूसराय नगर निगम को बर्बाद करके रख दिए। जनता त्राहिमाम में है, और वो इतने बक रहे हैं जो वैसा कर दिया वैसा कर दिया। सवाल है, जो हम अगर गलत किए तो इसकी जानकारी लोगों को दीजिए ना। अब बताइए लोगों को जो कहाँ कहाँ गलत किया है, और हम बताने के लिए तैयार हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।